नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेवानंद। विजन एसएससी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अनलेस और अंटिल का बड़ा ही छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट। अनलेस और अंटिल दोनों ही हमारे होते हैं कंजंक्शन, जो जोड़ते हैं दो क्लोजेस को। क्लोज भी आपको डिटेल में करवाऊंगा मैं। आप क्लोज हमारे होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। कंजंक्शन हमारे इन सबऑर्डिनेट क्लोज या कोऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ जोड़ते हैं। देखिए, इन 8 सेंटेंसेस में मैं आपको अनलेस और अंटिल का यूज करके बताता हूं, जो कि बड़े फ्रिक्वेंटली हर एक एग्जाम में आते हैं। बेशक एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इन सारे सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लो। आई होप कि आपने लिख लिए होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने मीनिंग में लिखा है कि अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, इसका मतलब है जब आप कंडीशन के रेफरेंस की बात कर रहे हो, जब किसी कंडीशन की रेफरेंस की बात करें तो यूज करेंगे अनलेस, और जब टाइम के रेफरेंस की बात करें तो यूज करेंगे अंटिल। जैसा कि दोनों का मीनिंग ही ये है कि अनलेस मीन्स इफ नॉट, अंटिल मीन्स टिल नॉट। देखिए, पहला सेंटेंस करते हैं। अनलेस इट गेट्स डार्क इनफ वी शुड गो देयर। देखो दोस्तों, अनलेस इट गेट्स डार्क इनफ, यहां पे आपका रेफरेंस है टाइम का कि अंधेरा होने से पहले हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। तो टाइम के रेफरेंस में मैं क्या यूज करूंगा? अंटिल। तो यहां मेरा क्या आ जाएगा? अंटिल। सेंटेंस नंबर 2 पे आते हैं। आई शैल नॉट गो देयर अंटिल दे इनवाइट मी। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेंगे। किसका रेफरेंस है? कंडीशन का। कंडीशन लगा रहा है भाई कि मेरे को इनवाइट नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा मैं। तो अंटिल को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? अनलेस, क्योंकि कंडीशन के रेफरेंस में क्या यूज होता है? अनलेस। और टाइम के रेफरेंस में क्या यूज होता है? अंटिल। अब मैं सेंटेंस नंबर 3 की बात करूं। सेंटेंस नंबर 3 कहता है, अनलेस यू विल फॉरगिव हिम ही विल नॉट कम हेयर। जैसा कि मैंने बताया आपको, क्लोज में डिटेल में पढ़ाऊंगा, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, तब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस यूज हो रहा हो, हम सबऑर्डिनेट क्लोज में कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। यहां सिर्फ आप इतना सीख लो कि अनलेस और अंटिल के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनलेस यू विल को हम ड्रॉप कर देंगे। अनलेस यू फॉरगिव हिम ही विल नॉट कम हेयर। सेंटेंस नंबर 4 क्या कहता है? वी शैल वेट हेयर अंटिल इट विल स्टॉप रेनिंग। जैसा कि पिछले सेंटेंस में बताया कि अनलेस और अंटिल के साथ फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा? जब आपका मेन क्लोज में ऑलरेडी फ्यूचर टेंस यूज है। अंटिल इट विल, अब देखो विल तो मैंने ड्रॉप कर दिया, तो अब क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब मैं बात करूं इट की। इस क्लोज में हमारा सब्जेक्ट है इट। इट होता है हमारा थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है सिंगुलर वर्ब, यानी कि इट के अकॉर्डिंग आ जाएगा स्टॉप्स। दोस्तों स्टॉप्स इज सिंगुलर वर्ब। फिफ्थ सेंटेंस पे आते हैं, अंटिल ही इज नॉट 18 ही कैन नॉट वॉट। दोस्तों एक तो ये सीख लो कि कैन नॉट को ऐसे लिखते हैं, ना कि कई दोस्त ऐसा लिखते होंगे, ये आपका होता है गलत। अंटिल ही इज नॉट 18, जैसा कि मीनिंग में ही मैंने बताया है कि अनलेस का मीनिंग है इफ नॉट, अंटिल का मीनिंग है टिल नॉट। जब मीनिंग में ही नेगेटिव वर्ड है तो हम इनके साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। सिक्स सेंटेंस पे आते हैं, ही कैन नॉट गेट वेल अनलेस ही डजंट क्विट स्मोकिंग। अनलेस के बाद मैंने क्या बताया, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। चलो नहीं आएगा मान लिया, तो अब ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी। दोस्तों ही हमारा है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, जो कि हो जाएगी क्विट्स। सेंटेंस नंबर 7 पे चलते हैं, अंटिल इट रेन्स द मैच शैल नॉट बी रिज्यूम्ड। सेंटेंस में क्या कहा गया है कि जब तक बारिश नहीं आएगी द मैच शैल नॉट बी रिज्यूम्ड, मैच रीस्टार्ट नहीं किया जाएगा, दोबारा स्टार्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों कौन सा मैच देखते हो आजकल जो बिना बारिश के स्टार्ट ना हो। सेंटेंस में क्या लिखा है कि जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक मैच को रिज्यूम नहीं किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज इट रेन्स। अंटिल को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज इट रेन्स द मैच शैल नॉट बी रिज्यूम्ड। मतलब जब तक बारिश चलती रहेगी तो आपका मैच रिज्यूम्ड नहीं होगा। एट सेंटेंस में क्या कहा गया है, यू शुड टेक केयर ऑफ हिम एज लॉन्ग एज ही विल स्टे हियर। जैसा कि मैंने बताया था, अनलेस और अंटिल के साथ आपका फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता है। तो दोस्तों एज लॉन्ग एज के मीनिंग में भी एक फ्यूचर का मीनिंग छिपा हुआ है, इसलिए एज लॉन्ग एज के बाद भी आपका फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा। ठीक है, विल को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अब ही के अकॉर्डिंग क्या वर्ब सही लिखी है, क्योंकि ही हमारा है थर्ड पर्सन, ये क्लोज हमारी पूरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी सिंगुलर वर्ब, जो कि हो जाएगी स्टेज। मतलब यू शुड टेक केयर ऑफ हिम एज लॉन्ग एज ही स्टेज हेयर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विजन SSC।